सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, सेंटर दोनों का एक है तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो एक हमने लेना है 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, ये इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और ये बाहर इसके एक सर्कल और बनाना है। इसका रेडियस हमने लेना है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ तक है हमारा 4 और यहाँ तक है हमारा 6। तो हमने ये जो ओ पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है इसका M, ठीक है। तो यहाँ से इसके 90 डिग्री एंगल बनाना है, इस लाइन के 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो ऐसे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ऐसे 8 फुट बनाएंगे, तो यहाँ से 60 हो गया, यहाँ 120 हो गया, यहाँ से आर्क लगाई ऐसे, यहाँ से आर्क लगाई ऐसे, दो आर्क लगा दी। तो इस आर्क में से ऐसी लाइन लगानी है जो इसको यहाँ पर ऐसे टच करती हुई ऐसे जाएगी। तो ये पॉइंट हो गए हमारे ए बी, ये बन गई कॉर्ड, बाहर के सर्कल की ये कॉर्ड बन गई, अंदर के सर्कल का ये टेंजेंट हो गया। तो इसका इसका ये वाला जो है ये 6 है और ये 4 है। तो इसकी यहाँ से यहाँ लेंथ होगी एम बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 36 माइनस 16, ये आ गया 20 का अंडर रूट, ये आ गया 4 × 5 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट आ गया 2 × 5, तो ये आ गया 2√5 और ये आ गया 2√5, तो ये आ गया इक्वल टू 4√5। तो 5 का अंडर रूट लेके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और उसका जो टोटल लेंथ है लिखा उतना ही आएगा, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ हमने इस हिसाब से निकालनी है, ये मेरी इक्वेशन है, ये मेरी इक्वेशन है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक सेंटर का सर्कल है, उसकी एक लाइन का ए लाइन ओ एम डाल के ऐसे सीधी, तो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना के ऐसे ये बनाना है, ठीक है। ये टेंजेंट बन गया ए बी, तो इसकी लेंथ हमने उस फार्मूले से निकालनी है। थैंक यू, ओके। ये है आपका सम नंबर 2, ओके।